हाय दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम साउथ इंडियन डिनर करने वाले हैं। मेरे हस्बैंड को डोसा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी समय हुआ हमने खाया नहीं, और आज मेरा विचार है कि आज आप मेरे साथ कुक करेंगे। सो ये वीडियो होने वाली है कुक विद मी साउथ इंडियन, और आज हम दो चटनियाँ बनाने वाले हैं। यूजली मैं सिर्फ एक ही टमाटर की चटनी बनाती हूँ, पर आज मैं नारियल की चटनी भी बनाऊँगी। ये जो चटनी की रेसिपी है मेरी मॉम की है, बहुत साल पहले हम बनाया करते थे। मुझे लग रहा है कि अब कम से कम 7-8 ईयर्स के बाद मैं ये चटनी बनाने वाली हूँ। पहले पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाई, पर मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है नारियल का। नारियल बहुत रिफ्रेशिंग सी इन्ग्रीडियंट है। सो पर हम थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन स्टाइल की चटनी बनाते हैं, इसमें हम दही भी ऐड करेंगे। मुझे लगता है साउथ इंडियंस दही नहीं ऐड करते इसमें, तो मैं दही ऐड करूंगी ताकि ये और थोड़ी फर्मेंटेड सी हो जाए। सो इसी तरह हम बनाएंगे चटनियाँ, सांबर एंड डोसा। डोसे के लिए हम जो रेडीमेड मिक्सचर होता है उसे ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जल्दी से शुरुआत करते हैं कुकिंग के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप सीख पाएंगे कि कैसे आप आसानी से ऐसे तरीके से आप घर में साउथ इंडियन बना सकते हैं, स्पेशली जो साउथ इंडियंस नहीं है, अदरवाइज आपके लिए ये बहुत आसान होगा। मे बी मेरी रेसिपी थोड़ी ट्विस्टेड हो, पर हम ऐसे ही बनाते हैं। सो मुझे लगता है कि टेस्ट वैसा बन जाता है जैसे हम बाहर से खाते हैं। तो या शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने मेरी वीडियो पहले भी देखी है पर सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे हस्बैंड के एंड हिम्मत, सो जहाँ पर भी आप फॉलो करना चाहते हैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू जल्दी से कुकिंग के साथ शुरुआत। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई है। सो अपडेट दे देती हूँ। वैसे वैक्सीन इंजेक्शन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम फील नहीं हुआ। इमिडिएटली उस शाम को मेरी आर्म में पेन हुई थी, जो यूजली मेरी आर्म्स में रहती है, लाइक शोल्डर में पेन, तो मेरे लिए ना लाइक अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि हैवी सा फील होता है ना इस एरिया में, तो वो काफ़ी नॉर्मल सा ही था मेरे लिए। एक दो दिन रही वो, और कल मुझे वैक्सीन लगाए, 3 दिन हो चुके थे, और कल मुझे थोड़ा सा गर्म फील हो रहा था, पर 99 ही था टेम्परेचर। और रात को 2-3 बार सोते हुए ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी गर्म हो गई है, और बहुत अनकंफर्टेबल रात गई मेरी। फीलिंग मच बेटर देन यस्टरडे। सो आज मैंने सोचा कि व्लॉग भी करते हैं और आपको मैं अपडेट भी कर देती हूँ। और या इसके बिना कोई और सिम्टम तो मेरी नज़र में है नहीं, यही थे। ये देखिए हमारी फैमिली का नया हिस्सा, नया प्लांट है ये, और देखिए कितना प्यारा है। इसे मैंने पानी देके कप में रखा है इसका। आई थिंक मैंने ये प्लांट, नॉट ये एक्चुअली, मैंने वो वाटरमेलन जैसा जो लीव्स होते हैं उसको ट्राई किया था, वो मुझसे बचा नहीं था, मर गया था। देखते हैं ये बचता है या नहीं। ओके, सो आई गॉट दिस बिग तवा और बिग परांठे और डोसा। राइट साइड है, डोसा बनाने के लिए अच्छा है वैसे ये। सो हम शुरुआत करेंगे सांभर के लिए दाल को कुकर में चढ़ाने से। दाल के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ तूर दाल। सांभर में तूर की ही दाल यूज़ की जाती है। सो तूर दाल का मैं 1 कप ले रही हूँ, और उसको हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे दाल को। उसके बाद जब दाल ये अच्छी तरह वॉश हो जाती है तो इसमें मैं 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। सो 4 गुना, वैसे तो दाल जब आप उबालते हैं तो आपको 3 गुना पानी ऐड करना चाहिए, पर ये दाल जब गलती है तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो उसके लिए मैं 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, जीरा एंड धनिया पाउडर एंड रेड चिली। उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी कुक होने के लिए, लाइक 2-3 सीटी में ही ये दाल कुक हो जाएगी। अदर साइड पे मैं इमली को भिगो रही हूँ, ये मैं सांभर में एंड थोड़ी से टमाटर की चटनी में भी यूज़ करने वाली हूँ। सो इमली को मैंने थोड़े वार्म पानी में भिगोया है कि ताकि जल्दी से वो अपनी खटास को छोड़ दे। सो इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँगी पानी में, और इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे जब तक हम इसे यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होते। इस टमाटर की चटनी की एंड सांभर की डिटेल में रेसिपी है मेरे कुकिंग चैनल पर, अगर आप जानना चाहते हैं लाइक सारे मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है सिमोर कैन कुक, तो मेरे फीचर चैनल्स में भी देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में रेसिपी जान सकते हैं। सो हमारी दाल कुक हो चुकी है, और इस पर मैं ऐड करूँगी वो रेडी टू गो सब्जियों का मिक्सचर सांभर के लिए। उसे मैं इसमें इसलिए कुक कर रही हूँ ताकि वो सब्ज़ियाँ थोड़ी कुक हो जाएँ
एंड लेटर हम इसको तड़का लगा लेंगे अलग से सांभर को। ये कोकोनट की चटनी के लिए मैं दाल यूज़ कर रही हूँ। दाल मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आप थोड़ी सी दाल भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा बड़ा बैच बनाना चाहती थी कि फ्यूचर में भी हम खा पाएँ थोड़े दिनों तक, क्योंकि कुक होती है ये दाल चटनी तो काफ़ी समय तक इसे आप रख सकते हैं। सो इसमें मैंने डाला है कोकोनट, ड्राई कोकोनट, क्योंकि मुझे फ्रेश कोकोनट मिला नहीं था। सो ये ड्राई कोकोनट मैंने लिया है अनस्वीटेंड, आई थिंक ये वॉलमार्ट से लिया था मैंने। इसमें मैं कुछ क्लोव्स गार्लिक के ऐड कर रही हूँ। देन मैंने ऐड की है ड्राई रेड चिली और 2-3 चम्मच दही के एंड थोड़ा सा नमक एंड लाल मिर्ची भी, और इसको अच्छी तरह मैंने पीस लिया है। उसके बाद इसे मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि दाल है जो वो कच्ची है। एक्चुअली उसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, पर फिर भी वो कच्ची है तो उसे कुक होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। सो उसे हम काइंड ऑफ कुक कर लेंगे अब। सो ऑलिव ऑयल में मैंने डाले हैं मस्टर्ड सीड्स। जब मस्टर्ड सीड क्रैक होना शुरू होंगे मैं कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। वंस ये कड़ी पत्ता भी अपना कलर चेंज कर लेता है तो हम इसमें थोड़ा सा नमक, अगर आपको लगता है कि आपको नमक की ज़रूरत है, एंड रेड चिली डालेंगे ताकि ये चटनी का जो कलर है थोड़ा सा रेडिश हो जाए। दैट्स इट। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मैंने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा था मिक्सचर तो मुझे पैन्स को चेंज करना पड़ा, तो मैंने बड़े पैन में ट्रांसफ़र कर लिया सब कुछ। एंड पानी भी थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, कुक होके और गाढ़ी हो जाएगी। सो मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया है, और इससे हम चेंज कर देंगे अदर स्टोव पे। और इस साइड पे हम सांभर का तड़का तैयार कर लेते हैं अब, क्योंकि हमारा सांभर भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है एंड उस पर मैंने जो सब्जियां ऐड की हैं वो भी कुक हो गई हैं। सो सांभर का तड़का भी बहुत सिंपल होने वाला है। इसमें मैंने ऑयल डाला है, मस्टर्ड सीड्स एंड देन कड़ी पत्ता, और उसके बाद अनियन डालूंगी मैं। थोड़ा सा अनियन को ट्रांसलूसेंट करने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी एंड ग्रीन चिली। एंड वंस ये कुक हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी, एक्चुअली दाल को टेस्ट करने के बाद कि नमक की ज़रूरत है, ज़्यादा नमक नहीं हो जाए इसलिए। सो नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और अगर आप सांभर मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं MDH का ये सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एंड लाल मिर्ची, क्योंकि मुझे ये थोड़ा तीखा चाहिए था सांभर। एंड उसके बाद तो ये जो दाल का पूरा मिक्सचर है रेडी हमारे पास सब्जियों के साथ, उसे मैं इस तड़के में ऐड कर दूँगी। एंड देन हमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दाल काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और पानी को ऐड करने के बाद हम इसे स्लो कुक होने देंगे, और इस तरफ हम नया पैन ले रहे हैं जिसमें हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। सो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, मस्टर्ड सीड डालूंगी, कड़ी पत्ता डालूंगी, और सॉरी मस्टर्ड सीड नहीं डाल रही हूँ, मस्टर्ड सीड का जो छोंक है वो हम लेटर लगाएंगे जब ये ग्राइंड हो जाएगी। सो मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है, गार्लिक के क्लॉव्स ऐड किए हैं, अनियन के बड़े बड़े चंक्स क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं लेटर, इन्हें थोड़ा सा कुक करूँगी मैं। ड्राई लाल मिर्च भी मैंने ऐड की है इसमें। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा एंड धनिया पाउडर भी। और वंस ये कुक होता है तो मैं टमाटर ऐड करके इससे ढक दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। सो आई थिंक 10-15 मिनट में टमाटर अच्छी तरह कुक हो जाएगा। सो इस सारे मिक्सचर को मैं मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लूँगी, लाइक अच्छा पेस्ट बना लूँगी चटनी जैसा। और अब इसी पैन में मैं फिर से मस्टर्ड सीड की छौंक लगाने वाली हूँ, एंड मैंने रेड चिली अलग से डाल दी क्योंकि वो चटनी के ऊपर बहुत अच्छी दिखती हैं, लाइक गार्निशिंग के लिए, और वैसे भी खूबसूरत लगती है। वैसे मुझे ये वाली रेड चिली थोड़ी सी फ्राई खाना अच्छा लगता है। सो ऐसे हमने इसको तड़का लगा लिया, और ये हमारी रेड चटनी तैयार होगी। और इस चटनी को खट्टा बनाने के लिए नमक थोड़ा कम था और मैंने और ऐड किया है, एंड रेड चिली भी।
इस चटनी को भी मैं खट्टा बनाती हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसमें भी इमली का पानी ऐड किया है। दोस्तों, तो आज हमारे पास ये बड़ा सा तवा है जिस पे हम बनाएंगे डोसा। मैंने एक बनाया है, पहला डोसा ठीक ठाक था पर हस्बैंड ने वो खा लिया है, अब वाला डोसा ज़्यादा अच्छा बनेगा। सो डोसे के लिए मैं ये रेडीमेड डोसा बैटर यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है तो इस पर मैं थोड़ा सा वार्म पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह फेंट लेती हूँ तो डोसे आराम से पतले पतले बन जाते हैं। आपको जैसे वो बाज़ार से मिला है वैसे ही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पतला भी कर सकते हैं। सो अब मैं अपने पति को सर्व करने की तैयारी में हूँ। इस तरह आपका ये साउथ इंडियन डिलीशियस मील रेडी है, लाइक काफ़ी अच्छा बनता है। अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर से बताना गाइस। Go like you know me, let's run away together, go and live by the sea. Yeah, I know a place and it's pretty far away. Well, we could leave tomorrow and be there by Saturday. Well, it is pretty simple, but that is all we need. We would have each other and live off the coconut seed. I know you love the ocean and you love the sun. We could take our clothes off and have some fun. And we'll grow old like two leather bags, leave footprints on the beach as we walk through the sand. Let me check everything. Oh yeah, yeah, itna acha kaisa banaya tune. Wow, you're zabardast. Shoes and dresses, who needs them when you have your bikini and the clear ocean. And when the sun ain't watching and the moon's out too, we could have some fun in the lagoon, just me and you. Well, we could live happy for the rest of our days. Maybe one day have some kids and teach them our silly ways. Well, they would dance in the moonlight as I play on my guitar, and you can teach them to wish when they see a shooting star. And we'll grow old like two leather bags, leave footprints on the beach as we walk through the sand. We'll grow old like two leather bags, let the sun kiss our skin as we run hand in hand. We'll grow old like two leather bags, leave footprints on the beach as we walk. Okay, so hum husband ke reviews dobara lene ke liye aaye hain kyunki pehla garam si the, pata nahi chala hun dass se ye kuch aisa maine dosa kabhi nahi khaya apni life. Chutniyon ka to kamal kar diya tune, chutniyan bahut badhiya 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 bahut badhiya. Main nahi khadiyan nariyal diyan jehdiyan sade pind nariyal lagda udan di bilkul hi nahi. दोस्तों, तो हम लोग मैंगो शेक पीने वाले हैं। मैंगो शेक पीने की जगह तो नहीं है पेट में, पर हस्बैंड का मन कर रहा है तो बनाने वाले हैं। सो हस्बैंड ने मुझे मैंगो पील करके दे दिया है, सो औखा काम उन्होंने कर दिया है, तो अब हम बनाएंगे। इस बार वाले मैंगो इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं। So I hope आपको ये प्यारा सा छोटू सा क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, एंड बेल को भी क्लिक करना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को मिस नहीं कर दें। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो मैं मिलूंगी आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, एंड आई लव यू गाइज सो वेरी मच, बाय।